हेलो एंड एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों थॉर लव थंडर देखकर आ रहा हूं मैं यार माइटी डिसअपॉइंटेड बहुत ही थंडा और बहुत ही एवरेज फिल्म है यार मतलब मैं क्या बताऊं मेरे पास शब्द नहीं है यार क्या सोच के गया था और क्या निकला यार इनफैक्ट यार थैंक गॉड मैं रात 12 बजे मिडनाइट शो के लिए नहीं गया मैं पहले सोच रहा था मिडनाइट शो के लिए जाओ आईमैक्स में जाओ थ्रीडी में देखने में मजा आएगा थॉर है यार आई आई मीन विल बी थ्रिल्ड एक्साइटेड एंगेज एंटरटेन ये सारा फीलिंग आएगा मन में ऐसा सोच के मैं बैठा था बट यार बारिश इतना गिर रहा था कि मैं प्लान को पोस्टपोन किया और मैं रिग्रेट करके बैठा था यार जाना चाहिए था जाना चाहिए था जाना चाहिए था, जाना चाहिए था लेकिन यार थैंक गॉड ये फिल्म देखने के बाद अभी मतलब यार आई एम हैप्पी कि मैं गया नहीं बारह बजे के शो के लिए यार इट वुड हैव बीन अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी शियर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी व्हाट इज दिस क्या बना के रख दिया यार ये तो ओटीडी फिल्म लग रहा है यार यार एक वाव wow मोमेंट नहीं है पूरे फिल्म में एक गूस बम्स वाला मोमेंट नहीं है पूरे फिल्म में पूरे फिल्म में एक ऐसा मोमेंट नहीं जहां पर मेरा मन किया कि भाई खड़े होकर ताली बजाओ में कुछ भी नहीं है यार ये ओटीडी पे रिलीज कर सकते थे आप एंड थ्री का क्या इंपैक्ट था एक सीन भी थ्री का इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया वेस्ट ऑफ मनी अगेन प्योर वेस्ट ऑफ मनी यार क्या मतलब ऐसा कोई थोर थौर बनाता है क्या ये क्या बना के रख दिया यार थौर का थूर कर दिया यार पूरा एकदम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड एंड सबसे पहली बात तो यह बताना पड़ेगा जो अपना मेन थॉर है जिसके लिए लोग आते हैं क्रिस हेम्सवर्थ यार साइड एक्टर बना दिया एंड दिलन इट्स अ क्लाइमैक्स बिटवीन द हीरोइन एंड द विलन मतलब जो लेडी थॉर है नेटली पोर्टमेन लेडी थॉर और गौर के बीच में क्लाइमैक्स चल रहा है नेटली पोर्टमैन और क्रिस्टन बेल के बीच में क्लाइमैक्स चल रहा है और अपना मेन थॉर जो है क्रिस हेम्सवर्थ वो उधर साइड में खड़ा हो कैसे देख रहे मूट स्पेक्टेटर मैं बोला भाई द क्लाइमैक्स हैज टू बिलोंग टू यू क्रिस हेम्सवर्थ इट्स योर फिल्म थॉर है ये क्या लेडी थॉर लेडी थॉर मिस इंडिया थॉर क्या थॉर करके इतना मतलब यार इतना पक गया वो लेडी थॉर का मतलब कैरेक्टर देख के यार मतलब यार क्या फेमिनिन बना दिया ये कर दिया वो कर दिया यार वो मजा नहीं था क्या बना के रख दिया यार एंड यार क्रिस हेम्सवर्थ की मैं बात करूं थॉर कैरेक्टर की मैं बात करूं यार वही सेम चीजें यार कुछ नयापन नहीं यार

क्रिस्टन बेल का कैरेक्टर यार मेरे को लगा भाई एटलीस्ट दैट कैरेक्टर शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन द ट्रेलर बट जिस तरह से वो कैरेक्टर को ट्रीट किया क्रिस्टन बेल का गौर कैरेक्टर को यार आप स्कैरी बना सकते थे उसको एकदम इंटिमिडेटिंग बना सकते थे एकदम एकदमी ऐसे निकाल के दिखा सकते थे पूरा एकदम कैरिकेचरिश लग गया कार्टून लग गया यार पहली बात तो क्रिस्टन बेल का वो कैरेक्टर गौर को देख कैसा लगा यार कॉन्ज्यूरिंग का नन है वलाक लग रहा था पूरा क्रिस्टन बेल वहां पर And एक सीन में तो क्रिस्टन बेल मकड़ी बन के आता है बच्चों को डराने के लिए क्या मतलब एक सीन में भी मजा नहीं आया और जो फाइट सीक्वेंसियवरेज तो यार वेरी वेरी ठंडा नथिंग न्यू एक तो एक क्रेटर वाला फाइट सीन पूरा मून पे फाइट कर रहा है ऐसा आपको फीलिंग आएगा क्या था वो यार कुछ नहीं और लास्ट लास्ट में जो वी एफ यार बहुत मतलब ऐसा लग रहा था लेजर शो चल रहा है यार वो भी देखने में मजा नहीं आया मैं बोल रहा हूं ना यार माइटी मैं बैठा था बैठा था अभी मजा आएगा अभी मजा आएगा कुछ नहीं और क्या लेडी थॉर को लेके आपने पूरा एकदम दुख दर्द वाला कहानी बना दिया मतलब यार बीमारी बीमारी लेके क्या कर दिया यार इट्स हैप्पी गो लकी फिल्म या थोड़ा टाइम पास कराओ यार हीरो वर्सेस विलन का स्टोरी बनाओ यार एकदम सीरियस फिल्म होना चाहिए जो ग्रिप करके रखे बिल्कुल नहीं इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर था इस फिल्म का वो कन्फ्यूज था कि हेरा बनाना है या क्रश बनाना है

क्या मैं बोलू यार टू स्टार्स दैट्स इट नो नॉट इवन टू स्टार्स वन पॉइंट फाइव दोस्तों आपका टेक लिखकर बताना अगर आपने देखा है थॉर लव एंड थंडर तो कैसे लगा आपको ये फिल्म अरे मतलब बॉक्स ऑफिस तो अलग बात है यार मतलब जो क्रेज है उसके वजह से तो कमाई करेगा बट देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट दिस इज अ पुअरली मेड फिल्म वेरी वेरी ठंडा फिल्म वेरी वेरी कोल्ड फिल्म नॉट अ मजेदार फिल्म टोटली डिसअपॉइंटेड एनीवेज दोस्तों आपका टेक लिखकर बताओ कोर्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो को सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आपको मिलेगा वीडियो टाइटल के नीचे लाइक like, डिसलाइक और शेयर ऑप्शन के बाद वो भी आप दे सकते हो चलिए फॉर द मोमेंट टाटा दोस्तों एक चीज मैं बताने भूल गया रसल क्रो एज यूज वेस्टेड कंप्लीटली वेस्टेड यार क्या था वो वो जो मेन फाइट सीक्वेंस है ज्यूज और अपना थॉर के बीच में रसल क्रो और क्रिस uh, हेम्सवर्थ के बीच में यार कुछ नहीं यार मेकिंग आउट ऑफ थिंग्स यार कुछ नहीं था उसमें यार मैं बोला भाई रसल क्रो को लेने का क्या फायदा हुआ क्या क्या मजा आया वेरी वेरी पुअरली रिटर्न ऑल्सो द राइटिंग इज वेरी वेरी पुअर ऑफ दिस फिल्म यार नॉट इंप्रेस्ड दोस्तों आपका टेक लिखकर बताना कितना दिया मैं 1.5 पॉइंट फाइव दैट सेट लेटमी नो योर टेक टाटा